हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है और आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्वेश्चंस मुझे हमेशा हर वीडियो के नीचे आते रहते हैं कि अलग अलग टाइप के आईफोन जो है वो क्या होते हैं, कैरियर लॉक, कैरियर अनलॉक, फैक्ट्री लॉक, फैक्ट्री अनलॉक, क्लोन आईफोन, आईक्लाउड लॉक्ड आईफोन और बहुत सारे आईफोन्स, टर्बो सिम वाला आईफोन। तो ये सारे जो आईफोन्स के टाइप है मैं इस वीडियो में आज के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपके दिल में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज है वो सब क्लियर हो जाए और ये जो सारे क्वेश्चंस हमको आते रहते हैं उनके सब लोगों के जो है माइंड में सब कुछ सेट हो जाए कि कौन सा आईफोन हमको लेना चाहिए, कौन सा आईफोन हमको नहीं लेना चाहिए। अगर आप न्यू आईफोन लेना चाहते हैं या फिर यूज्ड आईफोन लेना चाहते हैं, इंडिया से या अब्रॉड से, कहीं से भी, यूएसए से, गल्फ से, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आपको मैं सारे टाइप्स आईफोन के एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले टाइप से। यहां पे मैंने पूरी लिस्ट बना लिया हूं ताकि मैं कोई भी पॉइंट जो है भूलू नहीं। सबसे पहला जो आईफोन होता है वो होता है फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन। अब फैक्ट्री अनलॉक ये वर्ड सुन के लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है। फैक्ट्री अनलॉक वही होता है जो आपने एक नया आईफोन खरीदा इंडिया के अंदर, कैसे खरीदते हैं आप, अमेजोन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं या एप्पल ऑथराइज स्टोर से खरीदते हैं, वो आईफोन्स होते हैं फैक्ट्री अनलॉक। यानी कि वो किसी भी कैरियर के साथ, कैरियर यानी कि जो आपका मोबाइल ऑपरेटर है, वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल है, उसके साथ वो लॉक नहीं होते, वो बंदे नहीं होते। तो ये जो फोन्स होते हैं ये पूरे दुनिया में किसी भी सिम कार्ड के साथ चल जाते हैं। यूएसए से भी अगर आप फोन खरीदते हैं तो आपको लेना चाहिए फैक्ट्री अनलॉक्ड फोन। उसके लिए आपको पूरा पैसा देना होता है और वो किसी भी कैरियर के साथ लॉक नहीं होता है। और इंडिया में भी या वर्ल्ड में कहीं पे भी जियो वगैरह कोई भी सिम कार्ड आप उसमें चला सकते हो। इसी के साथ आते हैं हम अपने दूसरे टाइप के आईफोन पे जो होता है कैरियर लॉक्ड आईफोन। कैरियर लॉक्ड आईफोन आपको यूजली इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे जब आप नया लेने के लिए जाएंगे, लेकिन यूएसए में जो स्पेसिफिकली आपको कैरियर लॉक्ड आईफोन्स ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग वहां पे जो है AT&T या वेरिजॉन, ये सब अलग अलग जो कैरियर्स है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वाले फोन्स लेते हैं, क्योंकि उनको महीने का $30-$50 ऐसा कुछ देना होता है। उसके बाद उनको कॉलिंग वगैरह का प्लान और आईफोन भी उसके बाद आ जाता है। तो ये होते हैं कैरियर लॉक्ड फोन्स। ये आपको जो है यूएसए से अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि यूएसए में सस्ते होते हैं फोन्स, या सेकेंड हैंड कहीं से खरीदना चाहते हैं तो कैरियर लॉक्ड फोन से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप भले ही उसका जो कैरियर है वो अनलॉक करा सकते हैं, फोन को अनलॉक करा सकते हैं, लेकिन आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो सिम कार्ड होता है उस फोन के अंदर जो उस कंपनी के साथ आता है, सपोज AT&T का सिम कार्ड है तो AT&T का ही सिम कार्ड उस फोन में चलेगा, दूसरा कोई भी सिम कार्ड उसमें नहीं चलेगा। अगर आप दूसरा कोई भी सिम कार्ड उसमें लगाने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इंडिया में भी कोई सिम पे नहीं चलेगा। आपको अच्छा खासा अमाउंट देके जो है अपने फ़ोन का लॉक तोड़वाना पड़ेगा। तो बेटर है कि कैरियर लॉक्ड फ़ोन के लिए ना जाए, फैक्ट्री अनलॉक फोन के लिए आप जाए। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड टाइप के ऊपर, टर्बो सिम या जेबी सिम वाला आईफोन। टर्बो सिम या जेबी सिम वाला आईफोन क्या होता है? जो कैरियर लॉक्ड फोन आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी पर्टिकुलर कैरियर से आपका आईफोन जो है वो लॉक्ड होगा, बंधा हुआ होगा, तो वैसे केस में ये एक सोल्यूशन है कि टर्बो सिम या जेबी सिम आप उसमें लगाइए। ये एक और सिम ट्रे होता है या सिम कार्ड टाइप होता है, उस पर आपका सिम कार्ड लग जाता है और आपके फोन के सिम स्लॉट में वो चला जाता है। जब आपका आईफोन, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है, क्योंकि वो लॉक्ड है एक पर्टिकुलर कैरियर के साथ, वो उसके थ्रू जब सिग्नल पास करता है तो आपका जो दूसरा कोई सिम कार्ड है, इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, कहीं का भी जो सिम कार्ड है, उस पर वो सिग्नल पास ऑन हो जाता है और उसका सिग्नल जो है आपके आईफोन पे पास ऑन हो जाता है। एक टाइप का ये बेवकूफ़ बनाता है आपके आईफोन को, वो जो टर्बो सिम है, ताकि आपका कोई भी नेटवर्क उसमें काम करे, लेकिन ये इतना अच्छे से काम नहीं करता। ये सस्ता मेथड है एक फैक्ट्री लॉक्ड फोन को या कैरियर लॉक्ड फोन को इस्तेमाल करने का, लेकिन ये इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, हर जगह पे ये काम नहीं करेगा और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस एप्पल भी इसके ऊपर लगाते रहता है, क्योंकि एप्पल का भी उन कैरियर के साथ कोलैबोरेशन है जिसके जरिए से लोगों को अच्छे रेट में वो फ़ोन मिलते हैं, इसीलिए ये जो टर्बो सिम वगैरह है इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे टाइप के आईफोन से भी आपको दूर रहना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले टाइप पे जो है फोर्थ टाइप, वो है रिप्लेसमेंट आईफोन। रिप्लेसमेंट आईफोन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आईफोन का या एप्पल का एक पॉलिसी है, अगर आपका फ़ोन वारंटी के अंदर है और उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है सॉफ्टवेयर के अलावा, यानी कि हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको वो वारंटी पीरियड के अंदर चेंज करके नया फ़ोन दे देते हैं, रिपेयर करके आपको फ़ोन नहीं देते। ये एप्पल की पॉलिसी है जो कि बहुत अच्छी है। तो सपोज़ मेरे पास ये आईफोन 6s प्लस है, ये ख़राब हो गया, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई और ये वारंटी में है, एप्पल की वारंटी में है, मैं एप्पल केयर में गया, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि हाँ यार एक्चुअली आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है जो रिपेयर नहीं हो सकती, हम आपको एक नया रिप्लेसमेंट फ़ोन दे देंगे। तो वो लोग मेरा पुराना फ़ोन ले लेंगे और मेरे को एक नया ब्रांड न्यू जो है फ़ोन दे देंगे। ये होता है रिप्लेसमेंट आईफोन। अब मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने बहुत टाइम से आईफोन 6s प्लस चला रखा है, अभी मैं कोई और फ़ोन ले लेता हूँ, तो ये रिप्लेसमेंट आईफोन मुझे काफ़ी अच्छा पैसा देके जा सकता है, क्योंकि ये टोटली नया है। तो मैं जाऊँगा कोई भी स्टोर के अंदर, ये रिप्लेसमेंट आईफोन बेच दूंगा,
काफ़ी मुझे अच्छा प्राइस मिल जाएगा क्योंकि बिल्कुल नया ब्रांड न्यू फोन ही है, ब्रांड न्यू से मुझे थोड़ा कम प्राइस मिलेगा लेकिन अच्छा प्राइस मिल जाएगा, उसको बेच दूंगा और जाके कोई और फोन आईफोन 7 प्लस आईफोन 8 प्लस आईफोन 10 कोई भी ले लूंगा। तो ये जो फोन होता है ये शॉपकीपर्स या OLX वगैरह पे कहीं भी आपको मिल जाएगा, ये होते हैं रिप्लेसमेंट आईफोन्स। आप बिल्कुल आंख बंद करके इनके लिए जा सकते हैं क्योंकि इन पे एप्पल की वारंटी भी होती है, बस आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेना है। इसके साथ एक जॉब शीट आपको मिलेगा, वो जॉब शीट आपको चेक कर लेना है कि एक्चुअली में उसका जो सीरियल नंबर है उसका IMEI नंबर है उससे मैच होता है या नहीं, और फिर आप इन फोन्स के लिए जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये फोन्स होते हैं। अगला जो आईफोन का टाइप है वो है रिफर्बिश्ड आईफोन्स। रिफर्बिश्ड आईफोन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले आईफोन के टाइप में बताया रिप्लेसमेंट वाले के अंदर कि मैं एप्पल के पास गया, मैंने बताया कि ये मेरा फोन खराब है, आप इसको चेंज करके दे दीजिए, उन्होंने मुझे दूसरा फोन दे दिया। अब इस फोन का वो क्या करेंगे, जो मैंने उनको दिया गया कचरे में डब्बे में फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं, वो लोग उसको रिफर्बिश करते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, सपोज उसके अंदर स्पीकर का प्रॉब्लम है तो उसका स्पीकर चेंज कर देते हैं किसी ओरिजिनल स्पीकर के साथ ही जो उसके लिए आया है। उसके बाद जो है उस फोन को ठीक ठाक करके बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है चेक करके उसको वो लोग बेचते हैं कस्टमर्स को। एप्पल भी ये चीज़ करता है और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ होती है, जैसे अमेजोन पे होता है, टू गुड .com पे होता है और बहुत सारे स्टोर्स भी करते हैं। तो रिफर्बिश्ड आईफोन आपको लेना चाहिए या नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है आप उसको कहाँ से ले रहे हो और सेलर आपका ट्रस्टेड है या नहीं। टू गुड .com के जो रिफर्बिश्ड फोन्स हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लोगों का बहुत ही नेगेटिव रिव्यू है। अमेजोन पे भी जो प्राइसिंग है रिफर्बिश्ड फोन की वो बहुत हाई है और उनका क्या प्रोसेस है रिफर्बिश करने का वो भी हमको नहीं पता, बट कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो रिफर्बिश्ड फोन सेल करते हैं, उसको रिपेयर वगैरह करके करते हैं और अगर वो खुद की वारंटी खुद की गारंटी देते हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा है, उनको आप पे भरोसा है, तो आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और एप्पल से अगर आप रिफर्बिश्ड आईफोन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल आग बंद कर ले सकते हो क्योंकि एप्पल जो है उस पर अपनी खुद की वारंटी देता है, तो ये चीज के लिए भी आप जा सकते हैं। रिफर्बिश्ड आईफोन के बाद अगले टाइप पे आते हैं, सिक्स टाइप जो है हमारा वो है यूज्ड आईफोन। यूज्ड आईफोन का मतलब बहुत ही सिंपल है, सेकंड हैंड आईफोन है, अभी मैंने कोई आईफोन नया खरीदा, मेरा उससे दिल भर गया, मैंने उसको जाके OLX पे मार्केट में या किसी शॉपकीपर पे बेच दिया, ये हो गया वो सेकंड हैंड आईफोन या फिर यूज्ड आईफोन। इन फोन्स के लिए भी आप जा सकते हो लेकिन आपको जो है अच्छे से चेक करके ही यूज्ड फोन्स लेना है, आपको ठीक से पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको इनको चेक करना है। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप पे, टाइप नंबर 7 जो है वो है डुअल सिम आईफोन्स। देखिए आईफोन जो 2018 वाला लाइनअप है आईफोन XR, आईफोन XS और XS Max, इसके अंदर ही आपको डुअल सिम देखने को मिलेगा। किसी और आईफोन में अगर आपको डुअल सिम देखने मिले तो वो असली आईफोन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सिम एडाप्टर्स आते हैं जो आपके पुराने कोई भी आईफोन को डुअल सिम बना सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी जो है सही चीज़ नहीं है, आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, यूजलेस टाइप की चीज़ है। ठीक है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्सपीरियंस करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो डुअल सिम आईफोन्स के बारे में आपको बता देता हूँ, आईफोन XR और XS Max चाइना के रीजन के लिए जो है मेनलैंड चाइना हांगकांग में आपको प्रॉपर फिजिकल डुअल सिम वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आईफोन XR, XS और XS Max आपको डुअल सिम वाले मिलते हैं। उसके अंदर एक फिजिकल सिम लगता है, एक्चुअल सिम लगता है और दूसरा लगता है ई सिम जो एक प्रॉपर डुअल सिम की तरह काम करता है। तो ये आईफोन जो है आप ले सकते हैं, इसमें डुअल सिम काफी अच्छे तरीके से काम करता है। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईफोन्स के अंदर जो 8 टाइप है वो है जेल ब्रोकन आईफोन्स या जेल ब्रेक किए हुए आईफोन्स। जेल ब्रेक क्या होता है, जैसे एंड्रॉइड के अंदर रूटिंग होता है उसी तरह से एप्पल के आईफोन के अंदर होता है जेल ब्रेक। एप्पल अपने आईफोन्स के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कि आप ऐप स्टोर जो है एप्पल का उसके अंदर से ही जो ऑफिशियल ऐप्स है वही आप डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट से थर्ड पार्टी कोई भी ऐप्स या एप्पल के राइवल्स के स्टोर से कोई भी ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन जेल ब्रेक करने के बाद कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, पेड एप्लीकेशन भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे ट्वीक्स कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने आईफोन को। लेकिन मैं आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा जेल ब्रेक करना या जेल ब्रेक किया हुआ आईफोन लेना, क्योंकि उसमें आपको एप्पल के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो नहीं आते, नया सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद शायद हफ्ते दो हफ्ते महीने भर लग जाता है जेल ब्रोकन उस टाइप का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आपके फोन में आने के लिए है। सेफ्टी और सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि मैलवेयर स्पाइवेयर कुछ भी हो सकता है जो जेल ब्रोकन आईफोन है उसके अंदर, और आपको एप्पल की वारंटी भी नहीं मिलती। और अगर आपका फोन क्रैश हो गया, खराब हो गया, बंद हो गया और अगर आप एप्पल के स्टोर में जाएंगे उसको रिपेयर करवाने तो वो लोग आपको कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे। टाइप्स ऑफ आईफोन के अंदर जो टाइप नंबर 9 है वो है फेस टाइम और विदाउट फेस टाइम वाला आईफोन। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग एप्पल का आईफोन कभी यूज नहीं किए उनको बहुत जानना जरूरी है। फेस टाइम एक वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन है जो किसी भी आईफोन से दूसरे आईफोन पे चलता है, उसकी क्वालिटी व्हाट्सएप या गूगल का डुओ वगैरह
जितने भी वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है उससे बहुत ज्यादा अच्छी है और उसमें बहुत सारे आप चीजें कर सकते हो, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी चीज है। फेस टाइम, तो फेस टाइम आपके फोन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक आईफोन यूजर है और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव या फैमिली जो है वो आईफोन यूज करते हैं, बहुत अच्छे से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन विदाउट फेस टाइम वाले भी आईफोन आते हैं। ये कहां पे आपको मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको दुबई में, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, क्योंकि दुबई की जो सरकार है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उसने फेस टाइम के ऊपर जो है बैन लगा रखा है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके जो टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज है उसको लोग इस्तेमाल करें और उन पे पैसे खर्च करें। इसलिए वहां पे व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉलिंग है, वॉइस कॉलिंग है, वो भी बैन है। उसी तरह से फेस टाइम भी बैन है। तो दुबई से अगर आप एक आईफोन लेते हो तो ज्यादातर चांस यही है कि आपको विदाउट फेस टाइम वाला आईफोन मिलेगा दुबई में। लेकिन ऑफलाइन मार्केट के अंदर और ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी आपको विद फेस टाइम वाले आईफोन मिल जाते हैं जो आते हैं इंटरनेशनल वारंटी के साथ। टाइप्स ऑफ आईफोन्स के अंदर जो टाइप नंबर 10 है वो है आई क्लाउड लॉक्ड आईफोन्स। आई क्लाउड जो होता है बेसिकली आपके आईफोन की जान होता है, उसके बिना आपका आईफोन कुछ भी नहीं है। आई क्लाउड जो लॉक किया जाता है वो एक, सपोज मैंने अपना आई क्लाउड अकाउंट अपने आईफोन पे बना लिया हूँ, किसी ने मेरा आईफोन चुरा लिया है और उसके बाद वो उसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा, वो अनलॉक नहीं होगा, उसका आई क्लाउड अनलॉक नहीं होगा, ना वो कोई एप्लीकेशन जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर पाएगा, क्योंकि वो या तो उसका पासवर्ड पूछेगा, फिंगरप्रिंट पूछेगा या फेस आईडी पूछेगा। तो इस टाइप का आईफोन आपको कभी भी नहीं लेना है जिसका आई क्लाउड अकाउंट लॉक्ड है। कभी भी आप यूज्ड आईफोन लेने जाएंगे तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि उसका आई क्लाउड अनलॉक्ड है टोटली, और उसका फाइंड माई आईफोन जो है वो भी ऑफ होना चाहिए। अदरवाइज आपने अगर रीसेट किया या सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो उसका पुराने यूजर का जो आई क्लाउड अकाउंट है वो फिर से आपके आईफोन में आ जाएगा और आपका आईफोन लॉक हो सकता है। गाइज, हमारे टाइप्स ऑफ आईफोन में सबसे लास्ट एंड फाइनल टाइप है क्लोन आईफोन्स का। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको बिल्कुल ये बहुत ही गौर से सुनना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं क्लोन आईफोन क्या होता है, क्लोन आईफोन क्यों नहीं ले सकते हैं, क्लोन आईफोन में क्या प्रॉब्लम है, क्या वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। क्लोन आईफोन, फेक आईफोन, फर्स्ट कॉपी आईफोन, दुबई क्लोन, कैलिफोर्निया क्लोन, इसके काफी अलग अलग नाम है। ये एक्चुअल में आईफोन होता ही नहीं है, सिर्फ आईफोन की तरह दिखता है। इसकी बॉडी जो होती है और इसका जो ओएस होता है वो दिखने में आईफोन की तरह है और आईओएस की तरह है, बट एक्चुअल में ये एंड्रॉयड के ऊपर चलता है। इसको पहचानना बहुत ईजी है, आप देखेंगे फिजिकली तो भी आप इसको पहचान सकते हो। अदरवाइज मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हूं जो यहाँ पे आपको आई कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, आपको ठीक समझ में आ जाएगा रियल आईफोन किस तरह से आपको पहचानना है। ये आईफोन का टाइप जो है सबसे बदतरीन, सबसे घटिया टाइप है। कभी भी ये जो आईफोन कॉपी वाले हैं, क्लोन वाले हैं, इसके लिए आपको नहीं जाना चाहिए। आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपकी पूरी सोच ही आईफोन के रिलेटेड खराब हो जाएगी, पूरा एक्सपीरियंस आपका बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। बहुत ही घटिया टाइप के फोन्स होते हैं, एंड्रॉयड के फोन्स होते हैं, और इसके अंदर 1 GB का मुश्किल से रैम आपको मिल जाएगा, स्टोरेज भी इंटरनल बहुत कम होती है, कैमरा भी बहुत ही बकवास होते हैं। शो ऑफ करने के लिए कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग फंसाए जाते हैं, जैसे कि आईफोन 10-20 हज़ार में किसी ने आपको बोल दिया, आपने उसे मंगवा लिया तो वो आपको क्लोन ही भेजने वाला है। तो क्लोन आईफोन से आपको बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इसका सेल जो लोग करते हैं उनको भी मैं वॉर्न करना चाहता हूँ, इसका जो प्रमोशन यूट्यूब वगैरह पे करते हैं उनको भी वॉर्न करना चाहता हूँ, ये टोटली इलीगल है, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। ना इसका सेल कीजिए, ना इसका प्रमोशन कीजिए, ओरिजिनल चीज़ों के अंदर ही डील कीजिए और ओरिजिनल चीज़ें ही खरीदिए, ओरिजिनल चीज़ें ही बेचिए। तो दोस्तों, ये थे आईफोन के डिफरेंट टाइप्स, टोटल 11 टाइप्स आपको मैंने बताया। क्या लगता है आपको इन टाइप्स के बारे में? आपके पास कुछ दिल में कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो। और ये भी बता सकते हो क्या मैंने कोई आईफोन का टाइप यहाँ पे मिस कर दिया, क्या मैं इसको बताना भूल गया? अगर भूल गया होऊंगा मैं अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।